खबर पीलीभीत जनपद के थाना सेहरा में दृश्य है, जहां पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब बनाने के उपकरण सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया व मौके से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई। आपको बता दें, पीलीभीत जनपद के थाना सेहरा में उतरी पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ब्रजकिशोर मिश्रा ने अवैध शराब बिक्री व निर्माण के खिलाफ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार थाना एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशानुसार अभियान चलाकर कच्ची शराब बनाने के उपकरण सहित 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 7 फरवरी 2020 को अवैध शराब निष्कर्षण विक्रय के संबंध में प्रभावी अभियान चलाने हेतु प्रदेश के पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया था। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया था। कल शाम प्रभारी अभियान चलाकर कच्ची का निर्माण बिक्री के खिलाफ अभियान चलाकर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। शाम को पुलिस को अलग अलग जगहों पर शराब बनाने की सूचना मिली कि जहूरगंज, नजीरगंज एवं नदिया मुजपता में कच्ची शराब बनाई जा रही है। ब्रजकिशोर मिश्रा ने पुलिस टीम गठित कर तुरंत मौके पर जाकर शराब बनाने के उपकरणों सहित 4 व्यक्तियों को बताई गई जगहों से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त हरीशचंद्र पुत्र पुतुलाल भारत पुत्र संगठन लाल निवासी जहूरगंज से अवैध रूप से कच्ची शराब 70 लीटर एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। खुशी राम पुत्र राम निवासी नवदिया मंजूपता के पास लगभग 60 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। अभियुक्त राम प्रताप पुत्र संतराम निवासी ग्राम नजीरगंज के पास से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। चारों व्यक्तियों के खिलाफ थाना सेहरा मोत्री पर मुकदमा पंजीकृत कर शराब निर्माण व बिक्री के तहत आबकारी अधिनियम के अनुसार मुकदमा थाना सेहरा मोत्री पर पंजीकृत कराकर अभियुक्त गणों को अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के लिए भेज दिया गया। बोल क्या बता रहा हूँ।